हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 बायोलॉजी का एमसीक्यू। ये उसका चौथा पार्ट है, इससे पहले तीन पार्ट अपलोड है। आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ भी लिंक दिया हुआ है, बाकी का पार्ट आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ ब्लड जो है ये हेमेटोलॉजी बोला जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी में है हेमेटोलॉजी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखिए एक हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी भी जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। हिस्टोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। इस टॉपिक पे मेरा एक पूरा का वीडियो बना हुआ है, 30-40 ठो उसमें स्टडी कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का नाम है ब्रांचेज ऑफ साइंस, जितना भी टाइप का है वो सारा उसमें कवर किया गया है। अगला, विच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज सप्लाइड बाय सॉयल टू प्लांट। तो जिंक जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है जिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट टिश्यू आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो प्लांट टिश्यू जो है तीन टाइप के होते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पूछ लिया जाए उसका टाइप तो आप याद रखिए। पहला होता है सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है, तीसरा होता है वो होता है मेरिस्मेटिक। ये तीन टाइप का प्लांट टिश्यू होता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड टू। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है ये एसोसिएटेड कॉटन से। इसका सही आंसर जो होगा कॉटन। ऐसे यहाँ पे जो जूट है, जूट एसोसिएटेड है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन से, और ऑयल सीड जो है ये रिलेटेड येल्लो रेवोल्यूशन से, और लेदर जो है ये रिलेटेड है ब्राउन रेवोल्यूशन से। ये रेवोल्यूशन वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप लोग इसको जरूर एक बार देख कर जाइए। इस टॉपिक पे एक वीडियो भी बना हुआ है, ऊपर आई बटन जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इंग्लिश में है पूरा, जितना टाइप के रिवोल्यूशन होता है, जैसे ब्लैक रिवोल्यूशन, राउंड रिवोल्यूशन, सिल्वर रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन, सारा टाइप का रेवोल्यूशन उसमें कवर किया गया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड एनिमल। तो आपको बताएं यहाँ पे जो चार ऑप्शन है कि कौन सा वार्म ब्लड एनिमल है। तो सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बैट जो है ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आप लोग को मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि जितना भी मेमल्स होता है और बर्ड होता है, ये सारा का सारा वार्म ब्लडेड होता है, और बाकी रेप्टाइल्स जो भी बचो कोल्ड ब्लडेड होता है। तो आप लोग वहाँ से ऑप्शन से आप छांट सकते हैं। तो बैट जो है मेमल्स होता है, तो वार्म ब्लडेड हो गया। अगला है, अमीबा बिलोंग टू व्हिच ऑफ फॉलोइंग किंगडम। तो अमीबा जो है ये बिलोंग करता है प्रोटिस्टा किंगडम से, ऑप्शन नंबर सी में है प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन है, लाइफ सेविंग हार्मोन। तो लाइफ सेविंग हार्मोन जो है ये एड्रिनल हार्मोन को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए में है एड्रिनल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बाइल इज स्टोर्ड इन। तो बाइल जो है ये स्टोर्ड होता है गॉल ब्लडर में, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, गॉल ब्लडर। देखिए जितना भी ये सब सारा क्वेश्चन है आप लोग देख रहे हैं, सारा प्रीवियस ईयर से लिया गया है। एसएससी का एग्जाम हो, रेल एग्जाम हो, या यूपीएससी का प्री एग्जाम हो, सब से आ गया है। तो आप लोग पूरा जरूर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें रिपीट होने का चांसेस ज़्यादा है। अगला है, इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैरिनेट। अगला है, पार्ट ऑफ आई यूज ड्यूरिंग आई डोनेशन इज। तो पार्ट ऑफ हम लोग का आंख है, जब आंख डोनेट करते हैं तो कौन सा पार्ट डोनेट, ये है कॉर्निया, कॉर्निया को हम लोग डोनेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन ग्राम। यहाँ पे वेट होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक टी यहाँ होगा, तो कितना होता है, तो ये 1350 ग्राम होता है। जनरली 1300 से कभी कभी रेंज पूछ दिया जाता है, तो आप लोग याद रखें 1300 से 1400 के बीच में जो होता है
वो होता है ह्यूमन ब्रेन का वेट। अगला है आरबीसी आर फॉर्म इन द डैश इन द एडल्ट। तो आरबीसी जो फॉर्म होता है ये रेड बोन मैरो में फॉर्म होता है, इसका सही आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर बी रेड बोन मैरो। अगला है पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन। तो 12 रिब्स पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ बी नहीं होगा, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर ए में है 12 रिब्स, यहाँ पे बी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है लैक्टोजेनिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है ये सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, ये होता है अरोटा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो सही आंसर होगा। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट बॉर्न डिजीज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज नहीं है। देखिए मलेरिया प्लेग कॉलर ये सब तो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज है, लेकिन जो बेरी बेरी है ये विटामिन के डिफिशियंसी से होता है और वो है विटामिन बी वन। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि विटामिन वाला भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है डिफिशियंसी वाला। ऐसे इस पे आप लोग एक वीडियो देखे होंगे, यदि आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं मेरे चैनल पे तो देखे होंगे, कुछ दिन पहले ही मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो विटामिन से रिलेटेड है, उसमें सारा कवर किया गया है केमिकल नेम्स विटामिन का क्या होता है या फिर उसका सोर्सेस क्या है या डिफिशियंसी से क्या डिजीज होता है। आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो लिंक दिया हुआ या फिर आई बटन में जाके आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। मैं यहाँ दो चीज़ और बताना चाहूँगा क्योंकि कालाजार जो है इसके बारे में पूछा जाता है, ये होता है सैंड फ्लाई, फीमेल वाला जो सैंड फ्लाई होता है मॉस्किटो उससे होता है, और मलेरिया जो होता है ये फीमेल एनोफिलीज से होता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो आप लोग याद रखिए। अगला है ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज। तो ब्लड कैंसर को बोला जाता है ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही आंसर होगा। अगला है विटामिन ए इज मेनली स्टोर्ड इन। तो विटामिन ए जो है मेनली स्टोर्ड होता है लीवर में, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। और ऐसे विटामिन ए जो है इस पे दो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला तो पूछा जाता है विटामिन ए का जो डिफिशियंसी होता है डिफिशियंसी डिजीज वो क्या होता है। तो पहला होता है नाइट ब्लाइंडनेस याद रखिए, और एक होता है जेरोप्थेल्मिया, ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज है। और ये जो डिजीज है ये आंखों का डिजीज है, आई इसका ऑप्शन होगा क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जेरोप्थेल्मिया जो डिजीज है ये हम लोग के बॉडी के किस भाग में होता है, तो क्वेश्चन कभी भी कैसे भी पूछ सकता है, तो आप लोग इतना कुछ जरूर याद रखिए इस टॉपिक से। अगला देख लेते हैं वैक्सीनेशन इज टू डिजीज एज मेंटेनेंस इज टू। तो इसका सही आंसर होगा ब्रेक डाउन, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला देखते हैं व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेनेंस पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये जो है ब्रेन का पार्ट ये है सेरिबलम, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा सेरिबलम। और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इसके अलावा ये वीडियो यदि आप लोग हिंदी में चाहते हैं इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हिंदी में भी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ये वीडियो लाने का। और जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं चैनल पर बहुत सारा वीडियो अलग अलग नाम से है, लेकिन सारा जो स्टैटिक वाला पार्ट है लगभग हिंदी में कवर किया गया है, जैसे कि इंडस वैली हो गया, मौर्यन हो गया, बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, या फिर गुप्ता हो गया, मुगल हो गया, सारा कुछ जो है हिंदी में कवर किया जा चुका है। बायोलॉजी का भी है, टॉप 100 बायोलॉजी टॉप 100 फिजिक्स जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हिंदी में कवर किया गया है, आप लोग वहाँ से जाके चैनल पर जाके वो सारा वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करके कुछ भी वीडियो से रिलेटेड यदि आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं।